जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एक दूसरे का, क्योंकि देखिए ये वीडियो आपके सपोर्ट के लिए ही बनाई जाती है। अब इसमें बीच बीच में जो आयोग है वो अपना कुछ बदलाव करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपका मिल रहा है तो वो आयोग से मिल रहा है, जो कि सुधार करता है कब, जो दो चार दिन के बाद, 5 दिन के बाद। यहां पर चूंकि नोटिफिकेशन निकाला गया उसके 5 दिन के बाद ये अपडेट किया जा रहा है कि आप लोग जो है अपना सीटेट जो सर्टिफिकेट नंबर है वहां पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं, बीएससीबी का जो है यूनिक कोड डाल सकते हैं। ये सब कब होना चाहिए, ये आपको जो है नोटिफिकेशन से पहले देना चाहिए। और आपने यहां पर लास्ट डेट जो है अपडेट कर रखा है कि लास्ट डेट ये हमारा 14 तारीख है, तो इसको एक्सटेंड किया जाए। सबसे पहले तो यही मांग होगी। और यहां पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और मांग होगी कि जो छात्र यहां पर पेमेंट कर चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर चुके हैं और उनका फॉर्म कैंसिल करना है, तो सर या तो आप एडिट का ऑप्शन दे दीजिए या तो फिर पेमेंट करने के बाद भी कैंसिल करने का जो ऑप्शन है वो हटा दीजिए, ताकि वो छात्र यहां पे जो है ना अपना पेमेंट कैंसिल कर दे और उसका उसी पैसे में जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्योंकि यहां पे पेमेंट जो सेक्शन है जो कर चुका है छात्र यहां पे, और ये ऐसे छात्र एक दो नहीं है, हजारों हैं जिनको कि अपना जो है रजिस्ट्रेशन में ये बदलाव करना है सर्टिफिकेट को लेकर, या फिर उस नोटिस में ये भी लिख देते कि जो लोग जो भी लिख दिया जैसे कि रोल नंबर या एनए वगैरह लिख दिया है, तो उसके लिए वहां पर जो है वो जो है सारी चीजें चेक की जाएंगी या छूट होगी वो, है ना। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा ना हो कि वो छात्र वहां पे एनए लिख दिया या रोल नंबर लिख दिया सर्टिफिकेट नंबर सीरियल नंबर की जगह पे तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होगा भी नहीं, आप लोग की हेल्प की जाएगी बिल्कुल। यहाँ पे बीपीएससी जो है यहाँ पे आपका हर कदम पे हेल्प करेगा, जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे तो यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन बीपीएससी फेज 2 टीआरई एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहां पर इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर एप्लीकेशन तक मैं सारा डिटेल बताऊंगा। क्योंकि देखिए मैं एक छात्र का फॉर्म भर चुका हूं, उनका सारा डिटेल बता चुका हूं मैं, फिर यहां पर 6 to 8 के लिए भी बताया, 9 to 10 के लिए भी, और खासकर कंप्यूटर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और म्यूजिक के शिक्षकों के लिए भी बताया जो कि ओवर एज में आते हैं, वो भी कैसे फॉर्म भरे। आप जाके जो है हमारे प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे जो है इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, उसमें वेबकैम होना चाहिए, या लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ साथ आपका वेबकैम होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि आप जो है अपना फोटो जो है यहां पे डाल सके। अब ऐसा नहीं हो कि साइबर कैफे में जाके फॉर्म भरवा रहे हैं और साइबर कैफे वाले ने अपना ही फॉर्म जो है फोटो डाल दिया वहां पे, तो इस बार देखिए आपको जो है मौके नहीं मिलेंगे सुधार करने को लेकर, अगर ये गलती आप लोग करते हैं तो, या आपका साइबर कैफे वाला छात्र जो है गलती करता है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिएगा, कोई गलती से भी गलती यहां पे मत कीजिएगा। ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा, जिनका भी पेमेंट यहां पर फंस चुका है यानी कि पेमेंट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, तो उनके लिए आवाज उठाया गया। आप लोग सभी को जाके जो है इसमें एक ट्वीट दिया गया है, उस ट्वीट को जो है रीट्वीट कीजिए, अतुल सर को वहां पे टैग कीजिए और फिर से रीपोस्ट कीजिए, ताकि जो है ये सरकार तक बातें पहुंचे और अतुल सर इस पर संज्ञान ले, ताकि जो है इसमें सुधार का मौका किया जाए, एडिट का मौका दिया जाए। दोस्तों आपको जो है कल एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें कि ये सारी बातें जो है बताई गई थी, इस बहाली की प्रक्रिया में बदलाव जो किए गए थे। अब आज जो है इस फॉर्म को भर के हम बता रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा ध्यान तक और छोटे छोटे स्टेप को धीरे धीरे लेकर चलेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ इस पेज पे आ जाना है। जैसे आप इस पेज पे आएंगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके यहाँ वहां पोर्टल पे जहां से आप फॉर्म भरते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं वेब पोर्टल पे, देखिए यहाँ पे जो है आपको लॉगिन करके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड से और इस कैप्चे को डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वहां से लेकर आपके फॉर्म भरने को लेकर। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ्रेश बिल्कुल नया सा आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं फटाफट चीजें आपको बता दूं, चूंकि ये चीजें भी मैंने आपको कवर किया हुआ है। जो भी छात्र यहाँ पे अपना नाम जानता है, नाम अपना डालिएगा, जी हाँ आपका जो सर्टिफिकेट पे नाम है मैट्रिक पे, है ना, ऐसा नहीं कि पुकारू नाम कोई डाल दीजिएगा। तो जैसे कि नाम है आपका अनिल कुमार सिंह, तो आप यहाँ पे अनिल डालेंगे, कुमार डालेंगे मिडिल नेम में और सिंह डालेंगे लास्ट नेम में। लेकिन अगर आपका नाम है सिर्फ अनिल कुमार तो अनिल यहाँ पे फर्स्ट नेम में डालिएगा और कुमार जो है लास्ट नेम में डाल दीजिएगा। तो यहां पर जो है ये जानकारी मैं आपको दे दूं पहले, और उसके बाद आपको फादर नेम डालना है। फादर नेम जो है आपका यहां पर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा गया वही डालिएगा। मिस्टर मिसेस मिसेस जो है यहां पे कोई भी आएगी या डॉक्टर ऐड नहीं कीजिएगा। हस्बैंड नेम वो छात्राएं डालेंगी जो कि शादीशुदा है और वो यहां पर डाल सकती है या फिर छोड़ भी सकती है क्योंकि उन्होंने अपना फादर नेम यहां पर डाल रखा है। फिर उसके बाद जो है मदर नेम आता है, मदर नेम आप लोग डालिएगा अपना जो भी आपके सर्टिफिकेट पे है। सेलेक्ट आईडी टाइप यानी कि कौन सा आईडी आप लगा रहे हैं। अब देखिए आधार कार्ड दीजिएगा तो ठीक, नहीं तो जैसे ही पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप जो है ना 200 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज हम करेंगे। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक हमको कराना होता है, तो इसलिए पैन कार्ड चूज कीजिएगा तो आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को ही सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करके डाल देंगे, यहाँ पे अपलोड जो है अपना कर लीजिएगा, 100 KB से जो है कम फाइल का होना चाहिए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि देखिए ये अगर आपको नहीं हो रहा है 100 KB से कम कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो मैंने एक वेबसाइट बताया था 11zone.com, वहां पे जाके जो है आप अपना जो है पीडीएफ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या, तो सिटीजन ऑफ इंडिया यस कर लीजिएगा। क्या आप ओरिजिन ऑफ बिहार है मतलब बिहार के निवासी है, तो यस कर लीजिएगा।
अगर आप नहीं है तो नो कीजिएगा, और नो जैसे कीजिएगा यहां से आपसे कोई डिटेल नहीं मांगा जाएगा, ठीक, यहां पे कोई डिटेल नहीं। जैसे यस कीजिएगा तो आपसे आपका बोलेगा कि आप निवास प्रमाण पत्र दीजिए भाई, कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं है, डेट ऑफ इशू भी आपको यहां पे बताना होगा। तो यहां पे आपको ये अपडेट कर देना होगा और इसको अपलोड कर देना होगा अपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके कंप्लीट देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। वैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है। सपोज अगर आप जो है यहाँ पे अदर स्टेट्स के छोड़कर यहाँ पे बिहार के निवासी हैं, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं जैसे कि ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं या पीएच कैटेगरी हैं, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर लीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगर यस कीजिएगा जैसे ही तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हैं, तो आप बताइए बीसी हैं, ईबीसी हैं। तो यहाँ से सपोज मान लीजिए आपने बीसी सेलेक्ट किया, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे कास्ट नेम क्या है आपका। तो यहाँ पे जितना भी बीसी कैटेगरी में कास्ट है उन सबका लिस्ट दिया गया है। सपोज मान लीजिए कि आप यादव हैं, तो यादव पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से यादव से संबंधित जितने भी हैं यहाँ पे वो आ जाएंगे। जैसे ईबीसी सेलेक्ट किया आपने, तो ईबीसी में आपने सेलेक्ट किया सपोज मान लीजिए आप बगड़ी हैं, तो यहाँ पे बगड़ी जो है सिलेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि एससी एसटी में है, आप तो एससी एसटी सेलेक्ट कीजिएगा, तो इसमें जितने भी कैटेगरी में कास्ट है उन सबका कास्ट नेम दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में है तो जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे भी आपका जो है ईडब्ल्यूएस, यानी कि जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट है यहाँ पे, उनके यहाँ पे कास्ट का नेम आ जाएगा। जैसे भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, खत्री, ये सब कुछ आ जाएगा, राजपूत, सैयद, है ना, सब कुछ आ जाएगा। तो जो भी है आप, है ना, मुस्लिम में या हिंदू में या सिख में, है ना, तो ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा नाम ईडब्ल्यूएस वालों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट मांगेगा जो कि ईडब्ल्यूएस का बना होना चाहिए, तो ये भी आप डाल दीजिएगा यहाँ से, और जो कि आपके पास होगा ही, और इशू डेट डाल दीजिएगा कब आपका इशू हुआ था। ये सर्टिफिकेट इशू बाय, तो ये आपको बताना है कि बिहार में ही हम इशू करवाए हैं क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक। तो यहाँ पे ओके कीजिएगा, अदर पे कीजिएगा ना तो ये नहीं लेगा, नॉट एलिजिबल लिखेगा। इसलिए प्लीज आप लोग जो है नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे ही अपना ये सर्टिफिकेट और ब्लॉक लेवल पे ही बनवाइएगा सीओ और आरओ से। यस ये पे क्लिक कर लीजिएगा, अब यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। अगर आप बीसी के डीबीसी कैटेगरी में है तो इसके लिए भी यही प्रोसेस है, और बीसी में है भी यही प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपना जैसे मान लीजिए सेलेक्ट किया, तो कोई एक कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये कास्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे जो है मैरिटल स्टेटस बताइएगा, शादीशुदा है, अनमैरिड है या अदर्स में, अदर्स यानी जो वीडियोस रहते हैं, है ना, पुरुष या महिला जो भी, तो आप लगा सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपने मैरिड लगा दिया, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैरिड है आप, ओके, या अनमैरिड पे क्लिक कर दिया, ओके, मेल है या फीमेल है ये बता दिया आपने, ओके। अब यह बोलेगा कि आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं, संबंधित हैं उनसे, तो यस है, तो भाई उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ये भी देखिए ब्लॉक लेवल से बनवाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से यस करके बनवा के इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पे भाई आगे बढ़िएगा। पीएच कैटेगरी से संबंधित है तो ये आपका यस कर लीजिएगा, यस कीजिएगा तो ये पूछेगा कि किस दिव्यांगता में आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट मिला हुआ था। सपोज हियरिंग में मिला है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, इशू डेट डालिएगा, और यहाँ से उस कॉलेज का नाम या विद्यालय महाविद्यालय का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। और स्क्राइब लेना चाहते हैं आप एग्जाम में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट बैठता है, वो स्क्राइब लेता है, मतलब स्क्राइब यानी कि उसके बदले में बैठकर कोई और एग्जाम देता है, तो अगर वैसे छात्रों के लिए, है ना, जो कि पीएच से संबंधित है, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। यस पे कीजिएगा तो आपको बैठाने का मौका मिलेगा यहाँ पर अपने साथ एक स्टूडेंट को भी जो कि आपका एग्जाम देगा। नहीं है इन सब में तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक सर्विसमैन में है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांगेगा, अपलोड सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। तो ये पीपीओ नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपका जो है रिटायर वाला चीज है ना, यहाँ पे डाल दीजिएगा अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक। नो पे है तो भाई नो कर लीजिएगा, एक सर्विसमैन नहीं है तो। फिर पंचायती राज संस्थाएं को लेकर यहाँ पे जो है आपको अपडेट किया गया, जो लोग कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए, तो यस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका पूछेगा डिजिग्नेशन क्या है सर, तो आप बताइएगा शिक्षक हैं या प्रिंसिपल हैं, जो भी है आप बता दीजिएगा, यहाँ पर प्यून है, ठीक है, क्लर्क है, जो भी है बता सकते हैं। इंटर स्कूल में आपका क्या है सर, तो ऑफिस, तो बिल्कुल इंटर स्कूल आपका देना है, स्कूल का नाम बता देना है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं अभी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना यहाँ से, ओके। अब यहाँ पे पंचायती राज और नगर निकाय संस्थागत से नियुक्त शिक्षक का डिटेल, तो आपका सर्टिफिकेट नंबर जो कि एनओसी मांग रहा है यहाँ पर, तो एनओसी आपको देना है किसको, जो लोग कार्यरत शिक्षक हैं यहाँ पे और वो अप्लाई कर रहे हैं, तो एक या फिर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिएगा आप लोग वहाँ पे, है ना, सर्टिफिकेट में जब आप ज्वाइन किए होंगे ना यहाँ पे कार्यरत शिक्षक के लिए, तो वो डाल दीजिएगा, डेट ऑफ इशू डाल दीजिएगा, बात खत्म यहाँ पे इनका। अगर नहीं है तो नो पे भाई क्लिक कर लीजिएगा। अब समस्या यहीं से शुरू हुई थी और समस्या आपका अभी भी बना हुआ है बहुत सारे लोगों का, लेकिन मैं हर एक वीडियो में आपका ये समस्या खत्म भी कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है पहले पात्रता परीक्षा, कर लिया यहाँ पर, ये देखिएगा ये पात्रता परीक्षा वाला पहला वाला सेलेक्ट करना है। ये दक्षता परीक्षा जो है ना, ये उनके लिए है जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, है ना, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो भाई लगा सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं कि आप लोग कार्यरत शिक्षक हैं, ये जरूर बताइएगा। आपका एग्जाम हुआ है 2012 से पहले, जो अगर दिए हैं तो दक्षता परीक्षा उसी को कहा जा रहा है, नहीं किए हैं ठीक है तो इसमें डालिएगा, और किए भी हैं और पात्रता परीक्षा भी पास है तो पहला वाला ही डालिएगा, ठीक। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से किस में जो है पात्रता या दक्षता परीक्षा है, तो आप अगर 6 to 8 के लिए जा रहे हैं तो वो क्लिक कर लीजिएगा, 9 to 10 के लिए जा रहे हैं तो उसमें क्लिक कर लीजिएगा,
उसमें भी क्लिक कर लीजिएगा, एज इस एज वाला एग्जेम्पशन बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, यहां भी क्लिक कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा, तीनों में एलिजिबल है तो कर लीजिएगा भाई। अब यहां पे बात उठता है सर कि हम इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करें, फिर से वही बात, तो फिर मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि हर बार बोला हूं कि देखिए जो फ्रेश स्टूडेंट है यानी कि जो फ्रेशर है यानी कि जो पहली बार आवेदन कर रहा है और 37 साल से कम है, फ्रेशर मैं उसी को बोल रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं है कि अभी अभी पास हुआ है, नहीं, फ्रेशर मैं उसी को बोल रहा हूं जो कि 37 साल के अंडर है यानी कि अंडर एज बोलो उसको, तो अंडर एज वाला है तो यहां पे आवेदन करेगा अन्य विषय में। अगर वो छात्र इसमें भी आवेदन करता है तो एज फॉर नोटिफिकेशन उनके जो है इस पेपर में छूट दिया गया है उनका एज को लेकर 4 साल का, तो ऑलरेडी डाल सकता है। मैंने एक वीडियो में बोला था आपको कि बाहर के छात्र जो है, यूपी के छात्र हैं या अदर स्टेट के छात्र हैं, झारखंड बंगाल जहां से भी हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो आपका क्या फायदा है, सोचिए सोचिए, आपका फॉर्म यहां से भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आप यहां से डाल के देखिएगा अंडर एज वाले जो अंडर एज में है, लेकिन सोचिए सर यहां पर छूट दिया गया है 4 साल एसटीडी पेपर वन के लिए, जो लोग 2019 से लेकर 2023 के बीच में यहां पर परीक्षाएं दिए हैं, तो 2019 में आप लोगों ने दिया है, नहीं दिया, लेकिन 2023 में तो दिया है, तो यहां से आप भी भर के कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब यहां पे आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, यहां पे बोल दिया गया है अन्य विषय लिख दिया गया है, अब पहले ये अन्य लिखा हुआ था, अब ये अन्य विषय लिख दिया गया, तो आप इसी को क्लिक कीजिए, है ना, कोई इशू नहीं होगा। जो भी छात्र देखिए, तो भी छात्र फॉर्म भर के आगे बढ़ चुका है, यहां पे मान लीजिए कि आप 9 to 10 में यहां पे क्लिक करके भर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने जो क्वालिफिकेशन से देखिएगा, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो नोटिफिकेशन में बातें लिखी गई हैं, उससे आप बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, आप इसके लिए यहां से भी क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो अभी लोग फॉर्म भरे नहीं है, रजिस्ट्रेशन किए नहीं है, मैं उनको बोल दूं कि आप अन्य विषय पे भी क्लिक कीजिए, और हर वीडियो में मैंने अन्य विषय को भी यहां पे देखा है, अन्य के बारे में बताया है। देखिए मैंने यहां पे एक चीज और क्लियर किया था आप लोगों को अन्य के बारे में, कि अभी देखिए यहां पे जो 4 साल का छूट मिल रहा है, ये हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और संस्कृत और उर्दू, ये इतना ही सब्जेक्ट लिखा गया है, लेकिन ये क्यों दिया गया है 4 साल का छूट, ये अपने मन से तो दिया नहीं गया है सरकार के द्वारा, ये दिया गया है पटना हाईकोर्ट के आदेश पे, वो देख लाता हूं मैं आपको, ये देखिए वो लेटर है जो कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किया गया था, जी हाँ, ये आपका जो है नंबर है, केस संख्या है, याचिका संख्या यहाँ पे है, देख सकते हैं, यहाँ बोला गया था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी पेपर वन में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू के तथा यहाँ पर जो है एसटीईटी पेपर टू में विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, है ना, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस का नाम है, मैथिली, वाणिज्य, है ना, ये जो है विषय आपका अगर पास है, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा जो कि 1 अगस्त 2019 से 1 अगस्त 2023 तक का अवधि का होना चाहिए, 4 साल का छूट आपको दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। अब यहां पे आते हैं नोटिफिकेशन पे आते हैं, देखिए ये जो है आपका 4 साल का छूट है बिल्कुल, तो आप लोग भी भर सकते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट है मतलब जो अंडर एज में है वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आ गए इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे तो वो भी भर सकते हैं। अब लेकिन सर यहां पे तो आप बोले कि कंप्यूटर साइंस के लिए भी आदेश है, तो यहां पे तो आदेश दिया नहीं गया है, यहां पे आप देख रहे हैं कहां है कंप्यूटर साइंस, कहां है वाणिज्य, है ना, जबकि मैथिली यहां पर लिख दिया गया है, ये सॉरी माफ करेंगे यहां नहीं, यहां देखेंगे, है ना, यहां पे देखिएगा तो मैथिली लिख दिया गया है, कहां है यहां पे आपका कंप्यूटर वाला, कहां है आपका वाणिज्य वाला, तो आप नहीं भरिएगा, बिल्कुल भरिएगा, आप भरना पड़ेगा आपको, यही से आप क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा जो लोग ओवर एज में है, और नहीं तो यहां से फॉर्म नहीं भर पाइएगा, यहां से आपको मैं लिख के दे रहा हूं, और आप जांच कर लीजिए अन्य पे क्लिक करके, जो लोग ओवर एज में चले गए हैं वो लोग अन्य पे क्लिक करके ये फॉर्म भर के देख लीजिए, नहीं भराएगा यहां पे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखिएगा तो उनको जिनको जिनको रिलेक्शन मिला है वो अपना यहां पे फॉर्म करके भर सकते हैं, ठीक। अब ये चीजें हमने आपको जानकारी दे दी है, अन्य विषय पे जो है फ्रेशर वाले स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं, और फ्रेशर वाला स्टूडेंट जो है इनमें से किसी में जाके आवेदन कर सकता है। अब ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को, यहां से क्योंकि कोई समस्या नहीं है, फॉर्म आप लोग आएगा, एडमिट कार्ड भी होगा जारी, ठीक। समस्या अब आएगी क्योंकि अब कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये नोटिफिकेशन दिखाया गया दोस्तों, यहां पर नीचे आइएगा, ये नोटिफिकेशन कल दिखाया गया कि ये नोटिफिकेशन आया, इसमें बोला गया है कि आप लोग जो है अपना सीटेट का जो है सर्टिफिकेट जो लोग अपलोड कर रहे हैं, है ना, उसमें जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, उसके जगह पे जो है आप अपना सीरियल नंबर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इस नोटिफिकेशन का यहाँ पे अपडेट है, या बोला गया है कि आप उसके जगह पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। तो भाई समस्या अब आपने डाल दी, ये किसने डाला, तो बीपीएससी ने डाला ना यहाँ पे, तो इसी के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं। अब जो लोग फॉर्म भर के पेमेंट कर दिए हैं सर, उनका क्या, उनके लिए भी कुछ वहां पे लिख देते कि जो लोग फॉर्म भर के पेमेंट कर चुके हैं वो एनए या फिर रोल नंबर वगैरह डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते थे, क्योंकि हर वो चीज जो है एनए भी और आपका रोल नंबर भी इस चीज को यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है ना कि आप ही का है वो, और वो तो वेरीफाई आप लोग करेंगे, तो ये चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो लोग नहीं फॉर्म भरे हैं उनको मैं बता दूं, और जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए देखिए हमने सुबह एक वीडियो बना के आवाज उठाया है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सर के कानों तक बात जाए और सर जो है इसके ऊपर संज्ञान लें। फिलहाल अब जो जो लोग नहीं भरे हैं उनको बता दे कि आप लोग 6 to 8 में अपना जो सर्टिफिकेट है सीटेट वाला पेपर टू का, वो सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पे डालिएगा, क्या सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कहाँ पे है सर, कैसे दिखेगा, तो आप आएंगे, मैंने सुबह आपको दिखलाया है इन सभी चीजों को, है ना, सुबह आएंगे आप लोग यहाँ पे तो ये दिखेगा, ये जो है आपका सीरियल नंबर है, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल, ये मार्कशीट पे लिखा हुआ है, तो सर मार्कशीट ही हमें अपलोड करना है या सर्टिफिकेट अपलोड करना है,
तो मार्कशीट, जब सीरियल नंबर आप मार्कशीट का डाल रहे हैं तो मार्कशीट ही अपलोड कीजिएगा, अब वहां पे वेरीफाई किया जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट देख लिया जाएगा, है ना। तो ये तो बीपीएससी की जिम्मेवारी है, लेकिन आपको अपना जो है यहाँ पे मार्कशीट नंबर पे जो सीरियल नंबर डाल रहे हैं तो आपको मार्कशीट वाला ही अपलोड करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्कशीट ही डालना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है मार्कशीट का ही सीरियल नंबर डाल रहे हैं। फिर एसटीईटी में आते हैं, तो यहाँ पे आपको एसटीईटी के लिए जो भी छात्र हैं अपना जो है बीएससीबी का जो अपने सर्टिफिकेट लिया है, मतलब स्कोर कार्ड लिया है, उस पर एक यूनिक आईडी है जिसके बारे में कल अपडेट किया गया है, इस नोटिफिकेशन में ही अपडेट आया है, तो आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि जो लोग जो है यूनिक आईडी जो है ये आप लोग डाल सकते हैं वहां पे, और डेट ऑफ पासिंग जो है आपका 3 अक्टूबर 2023 वो आपको यहाँ पे जो है आप बता सकते हैं कि आपका इशू डेट है वो, ठीक, ये डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ भी वही करना है आपको, बीएससीबी का यूनिक कोड, तो यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे शिक्षा विभाग के लिए आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप कल्याण विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, तो योग्यता देखिएगा पहले, है ना, नोटिफिकेशन पढ़िएगा पहले। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 6 to 8 के लिए शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी है वो बिल्कुल सेम है, वहां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 9 to 10 में सब कुछ बदल जाएगा जी। मैं आपको फिर से बताऊं कि आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो वहां पे बदल जाएगा सारा चीज, क्योंकि वहां पे देखिएगा, मैं आपको दिखाई देता हूं, ये नोटिफिकेशन है आपका दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको पढ़िएगा यहां से, ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन पढ़िएगा यहां से, तो यहां से देखिएगा तो ये है 234 पोस्ट 6 to 8 के लिए, यहां पे तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां भी एक बदलाव है, क्योंकि वहां पे शिक्षा विभाग में आपको भाषा वाला पेपर में उर्दू और बांग्ला भी है, यहां पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है, तो यहां दो ही आपको लैंग्वेज पर मिलेगा, ये बदलाव यहां पे है, सॉरी माफ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जब आइएगा तो यहां पे देखिएगा तो टीजीटी में 9 to 10 में 248 पोस्ट है। अब यहां पे जो है अगर, क्योंकि 9 to 10 में क्या करते हैं आप, सोशल साइंस सिलेक्ट करते हैं, वहां पेपर तो सिलेक्ट नहीं करते हैं ना कि हमें पेपर में फॉर्म भरना है, इस पेपर में एग्जाम देना है, वहां तो स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्पेशलाइजेशन तो 11th 12th में, पर यहां पे दे दिया गया है स्पेशलाइजेशन। अब यहां पे देखिएगा अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान है, गणित है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत कला है, कंप्यूटर है। सर कंप्यूटर का वैकेंसी तो 11th 12th में होता है, यहां पे क्यों, तो यहां भी दे दिया गया है, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस टीचर नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस टीचर में क्या अंतर है, तो ये कल्याण विभाग का वैकेंसी है और यहां पे सिर्फ लिखा गया है कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर का जॉब हो सकता है यहां पे, ठीक है, आप यहां पे लैब असिस्टेंट बन सकते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। लेकिन टीचर के लिए यहाँ पे आपको बता दूं कि हो सकता है कि टीचर भी हो जाए आप यहाँ पे 9 to 10 में, बट यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन नहीं होता। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन नीचे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं क्वालिफिकेशन नीचे लिखा गया, देखिए मैं आपको दिखलाई देता हूं, यहाँ पे क्लास 9 to 10 के लिए 50% के साथ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक, या फिर अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो ठीक यहाँ पे आवश्यक होगा, ठीक है, इसका उत्तीर्ण होना है 50% के साथ आपका जो है स्नातक जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, या फिर स्नातकोत्तर जरूरी है यहाँ पर आपने मास्टर किया। तो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, महिला है, ईडब्ल्यूएस है महिला कैटेगरी में, तो आप जो है यहाँ पे 5% का छूट आपको मिलता है, यहाँ पे छूट मिलेगा 5% का महिलाओं को जो कि किसी भी इसमें है, किसी भी आप जो है कैटेगरी में है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपने मौलाना मजरुल हक से, अरबी फारसी विद्यालय से, या पटना के बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से आपने आलिम की डिग्री ली है, तालीम की डिग्री ली है, या फिर कामेश्वर सिंह दरभंगा से संस्कृत की डिग्री ली है, ये सब स्नातक वाली डिग्री है, तब ये जो है समतुल्य माने जाएंगे, किसके, स्नातक के। तो पहला तो ये चीज जान गए ना कि स्नातक मांगा गया है इसमें, साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि जो है एनसीटी की गाइडलाइन के थ्रू आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, ठीक, ये तो हो गया आपका। अब देखिएगा जिस विषय में आपका ये मांगा गया है ना उसमें 50% होना चाहिए, तो अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप ये सब जो विषय है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का आएगा, कहाँ गया, जैसे कि यहाँ पे कल्याण विभाग वाला आएगा सेलेक्ट करने के लिए, तो इस विषय में, इस नोटिफिकेशन में आप लोग को डिसाइड करना है यहाँ पे कि इन सभी विषय को हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अंग्रेजी पढ़ा है भाई, तो सब्सिडरी में अंग्रेजी हो, सब्सिडरी या मेन पेपर अंग्रेजी हो आपका स्नातक में, तो आप आवेदन कीजिएगा। हिंदी के लिए कर रहे हैं तो या तो हिंदी आपका सब्सिडी पेपर हो, या तो आपका जो है यहाँ पर मेन पेपर हो, तो आप आवेदन करेंगे। संस्कृत आपका मेन पेपर हो, या फिर आप आवेदन करेंगे उसे सब्सिडी पेपर के तौर पर है। तो विज्ञान में अगर देखिएगा तो विज्ञान आपने जो है यहाँ पे देखिए, विज्ञान में तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब आपने क्या पढ़ा है, तो विज्ञान पढ़ा है, तो विज्ञान वही सब है, तो विज्ञान अगर पढ़ा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। गणित है तो गणित के लिए तो खैर है ही यहाँ पर। शारीरिक शिक्षा है तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेटर का जो है यहाँ पे मांगा गया है वैकेंसी, 21 पोस्ट है, तो इसके लिए अलग पढ़ाई होता है, तो इसका आप लोग डाल सकते हैं। संगीत का भी अलग पढ़ाई होता है, तो लोग डाल सकते हैं। कंप्यूटर का, अब देखिए कंप्यूटर में जैसे कि हमने बीसीए कर लिया मान लीजिए, तो क्या सर हम आवेदन कर सकते हैं, अगर आप बीसीए प्लस बीएड हैं तो यहाँ पे आइए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं छटेंगे आप, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा अगर आपका जो है बीसीए प्लस बीएड होना चाहिए, इन सबके साथ जो है बीएड होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस पेपर को एज ए मेन पेपर आपका पढ़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी किसका, आपका जो है 9 to 10 में कल्याण विभाग का। तो ये सब कुछ बताया हमने, और वैसे ही चूंकि देखिए आप लोग जो है ना, अगर आप आएंगे यहाँ पे तो ये जो है स्नातोत्तर वाला है, यानी 11th 12th वाला है,
तो यहां से देखिएगा तो अंग्रेजी है, हिंदी है, ये बिल्कुल यहाँ पे जितना सब्जेक्ट दिया गया इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, इसका भी नोटिफिकेशन का जो है देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का नौकरी नहीं है, कंप्यूटर से साथ यहाँ पे कॉमर्स का नौकरी नहीं दिया गया है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। ये जो जो सब्जेक्ट दिया गया इन्हीं सब्जेक्ट में आपका जो है मास्टर्स होना चाहिए, उसके लिए क्या योग्यता है भाई, तो उसके लिए सर योग्यता यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये है इसका योग्यता आपके 11th 12th का, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो आपका मास्टर्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मास्टर्स होना चाहिए किसमें भाई, तो 50% के साथ होना चाहिए, 5% का छूट बिहार के लोगों को मिलेगा जो कि फिर महिला और ओबीसी ईबीसी एसएसटी से संबंधित है लोग, ठीक है, बाकी जनरल कैटेगरी की महिला को भी यहाँ पे मिलेगा 5% का छूट, ठीक है। बीएड होना चाहिए, बीए एड होना चाहिए या बीएससी एड होना चाहिए आपका, बीएड वाला सेक्शन। अब यहाँ पे जो है, अच्छा ये तो अध्यापक वाला है सर, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 50% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए और 5% का छूट मिलेगा, और आपने ये जो आलिम वगैरह की डिग्री ली है या संस्कृत की डिग्री ली है, आचार्य की डिग्री ली है, जो ये समतुल्य है इसका, और यहाँ पे आपका जो है बीएड होना चाहिए, ठीक है, या फिर बीएड होना चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी 11th 12th के लिए, और जो अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए उसमें भाई एक्सपीरियंस चाहिए, जिसका जिक्र हमने आपको लास्ट वीडियो में किया भी है, तो आप जाकर उसको भी देखिए थोड़ा, ठीक है। तो ये तो जानकारी हमने आपको दे दी कि आपने आवेदन करना है कि नहीं करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए ₹750 आपसे फीस चार्ज किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको चूज करना है क्या, लैंग्वेज पेपर, तो यहाँ पे आप जो है उर्दू बांग्ला या हिंदी कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, सपोज मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने अन्य सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ भी अन्य सेलेक्ट किया है, तो ठीक है, इस बात का जिक्र ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आएंगे ऊपर, ऊपर आएंगे तो सपोज मान लीजिए कि हमें इस सेक्शन में क्लिक करना होगा, क्योंकि हम इसके लिए जो आवेदन करेंगे तो बीएड का जरूरी है ना, 9th to 10th के लिए, इसके लिए आवेदन करेंगे, यहाँ भी बीएड लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैंने कंप्यूटर वाणिज्य और संगीत के लिए अलग वीडियो बनाया है, वो चीज अलग है रजिस्ट्रेशन करने का। अब यहाँ पे जो मैं है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट कर पढ़ता हूँ तो डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ यहाँ पे, सपोज मान लीजिए 1 जनवरी है ना 1973 तक चला गया। अब ये 73 तक क्यों चला गया, कल तक तो सर आप दिखला रहे थे कि यहाँ पर 80 तक ही, 86 तक ही, 83 तक ही था, तो अब ये क्यों 73 तक चला गया, क्योंकि यहाँ पर मिला है 10 साल का छूट किसको, 6 to 8 के छात्रों को, ठीक, इन्हीं को सिर्फ छूट मिलेगा इसी पद के लिए, ये भी जान लीजिएगा, सबके लिए नहीं है वो, ठीक है। तो 6 to 8 के लिए अगर आप क्लिक करते हैं एलिजिबल हैं, तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। कहाँ लिखा है सर, तो ये नोटिफिकेशन में पढ़िएगा, 6 to 8 के लिए 10 साल का छूट यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये 10 अप्रैल 2023 से पहले अगर आप सीटेट पेपर 2 पास हैं तो, ठीक। अब यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ओके करते हैं यहाँ पे हम लोग, और आगे बढ़ते हैं, इस एड्रेस को भरेंगे, आप भी अपना एड्रेस भर दीजिएगा, और यहाँ पे जो है अपना मोबाइल डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, सबमिट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन पेज है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे चलता हूँ लेकर एक छात्र का यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं एक छात्र का जो कि कंप्यूटर साइंस से है उनका भर के बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा उनका भी, और एक जो है सामाजिक विज्ञान से छात्र आवेदन किए थे उनका भी दिखला देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लॉग इन करके आएंगे डैशबोर्ड पे, अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना डैशबोर्ड पे आएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 2 लिंक, एक लिंक दिखेगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन करने का, तो आप पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं तो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, पेमेंट कर दिए हैं तो आपका पैसा जाएगा अभी तक, लेकिन इस चीज का सुधार करने का मांग हम लोग सरकार से मांगे हैं, कि देखिए बहुत सारे छात्र जो है बदलाव के पहले जो है यहाँ पे जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन बताया है उसके पहले गलती किए हैं, तो सुधार करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप कीजिएगा तो यहाँ से तो जाएगा, तो उस चीज के लिए माफ करने के लिए बोला गया है, देखिए अब सरकार सुनता है कि नहीं सुनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लिंक आपका दिया गया है एडिट डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा, यहाँ पे दिखेगा तो सारा डिटेल आपका दिखेगा और टाइमिंग स्लॉटिंग यहाँ पे चलता रहेगा। अब ये जो है इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने सही किया है तो, और यहाँ पे कुछ बदलाव होगा भी नहीं। नीचे आते हैं जरा हम लोग, यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक बटन दिखेगा, जहां से आप क्लिक करके जो है सीधे अगले पेज पे जाएंगे और वहां पे अपना एजुकेशनल डिटेल डालेंगे। तो चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे भरता हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस है, ये इन्होंने आवेदन किया है। अब जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो ये पेज आपका ओपन होगा, यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है जो आप पात्रता परीक्षा पास किए हैं, तो इसका क्लिक, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाल दिया, ये कोई नहीं बदलाव होगा यहाँ पे, देखिएगा ये कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर आपने चूज किया था 11th 12th टीचर के लिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, इनका कंप्यूटर विषय लिखेगा, आप जिस भी विषय से आवेदन कर रहे हैं 9th 10th हो या 6th to 8th हो, आपका यहाँ पे विषय का नाम लिख देगा, ठीक। फिर आपको चूज करना है, जैसे कि इन छात्र ने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चूज किया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनका सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा, तो इसमें चूज करना है आपको कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो सपोज इनका जो क्वालिफिकेशन है ये बी बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका लिंक खुल जाएगा, और यहाँ पे मांगेगा आपसे आपका सब्जेक्ट, आपका पासिंग ईयर है ना, जिस स्ट्रीम से आपने अपना बीटेक किया है या बी किया है, आपका इंस्टीट्यूट, आपका बोर्ड कौन से बोर्ड से किए हैं, आपका जो है मार्क्स कितना आया था, फुल मार्क्स कितने का था, और आपका परसेंटेज कितना बना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना जो बीई बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से, उसका यहाँ डिप्लोमा इससे जो भी किए हैं है ना, डिप्लोमा वाले भी छात्र ध्यान देंगे,
तो उनका जो है क्या करना है, अपलोड सर्टिफिकेट। तो जो सर्टिफिकेट को 100 KB में आपको कन्वर्ट करके रखने को मैं बोला था कि वो 100 KB में रख लीजिएगा, यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रायोरिटी नंबर पूछेगा। प्रायोरिटी नंबर क्या है सर, यहाँ पे इंटर पोस्ट प्रायोरिटी। अब देखिए ये तो छात्र एक ही पोस्ट के लिए आवेदन किए, लेकिन बहुत सारे छात्र जैसे कि 6 to 8 भी अप्लाई किए हैं, 9 to 10 भी अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे उनका लिंक खुल के आ जाएगा। जैसे जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन किया है उनका लिंक खुल कर आ जाएगा, लिंक खुल के आएगा तो 9 to 10 भी दिखेगा, 6 to 8 भी दिखेगा, तो उसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, तो यहाँ पे आपको बताना होगा 1 to 3 करके, है ना। तो ये इसके सामने मैंने इसको तो 1 ही लिखना है, तो मैंने वहां 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे मैं चाहता कि जो है 9 to 10 का भी भरता, तो वहां पे उसको प्रायोरिटी 2 देना चाहता, तो वहां पे 2 लिख देता, या जो 6 to 8 है उसको प्रायोरिटी 3rd पे रखना चाहता, तो वहां पे 3rd लिख देता। क्योंकि वैकेंसी 6 to 8 में ज्यादा है, तो जो छात्र उसके लिए एलिजिबल है उसको पहले प्रायोरिटी पर लिखे, जिसके लिए आप एलिजिबल है उसको पहले प्रायोरिटी पर रखिए आवेदन कर, ठीक है। अब इसे एलिजिबल तो सबके लिए है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है उसको प्रायोरिटी देना है जिसके लिए आप टीचर बनना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप वहां पे अपलोड कर देंगे अपना जो है सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज पे। अब यहाँ पे आपका जो है पूछेगा डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट को आप पहले प्रायोरिटी करेंगे। तो आप अपना पहले जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, है ना, वो अपने जो है नजदीकी जिला को चूज कर लीजिएगा, हो सकता है आपको वहां पर प्रायोरिटी मिल जाए। ये बस ऐसे ही पूछा जा रहा है ताकि आपको जो है यहाँ पे मिल सके इसकी प्रायोरिटी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक रोहतास सेलेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरा यहाँ पर औरंगाबाद कर लेता हूँ, और तीसरा यहाँ पे जो है कैमूर कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये 3 मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट डिटेल। देखिए यहाँ पे जो जिस भी चीज का आपके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ही डालिएगा, उसका नंबर ही डालिएगा। यहाँ पे आपके पास अगर सर्टिफिकेट के अलावा जो है नहीं है, मान लीजिए किसी का फाइनल ईयर में सर्टिफिकेट नहीं है अभी तक, तो वो मार्कशीट डाल के मार्कशीट का नंबर डालेगा, याद रखिएगा। ये बात मैं आपको जानकारी के मुताबिक ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट डाल देना है, ठीक है। तो चलिए एक छात्र का मैं जो है सर्टिफिकेट डाल देता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पे आपको एक अपना पहचान डालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और मतलब कि आपके चेहरे पे कोई कटे छटे का निशान हो तो वो डाल दीजिएगा। अपना एक फोटो यहाँ पे डालना है, क्लिक टू कैप्चर। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, है ना, क्लिक टू कैप्चर, तो ये बोलेगा कि आप जो है वेबकैम इज नॉट लोडेड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वेबकैम इसका चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही चालू करूंगा यहाँ पे देखिएगा, और चूंकि देखिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अभी इसको अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, और आप लोग भी थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी फॉर्म भर के बताया तो आप लोग फटाफट यहाँ पे अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे जो है अपना जो है ये आई क्लिक पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो है प्रीव्यू कर लीजिएगा, और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है आकर यहाँ पर इस तरह से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा डिटेल दिखलाया इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी डाउट है फॉर्म भरने में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।